नमस्कार। सबसे पहले आप सबको बधाई जिनको यूपी में सीट मिल गई है, और कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है जिसमें नोडल सेंटर लिखा हुआ है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात। अब ये नोडल सेंटर आप नोट करेंगे, हो सकता है कि कॉमन हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला नोडल सेंटर था उससे डिफरेंट होगा, राइट? तो अब हम सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि हमने तो पहले जो चुना था उसके हिसाब से तो ये डिफरेंट हो गया है। तो इसके कारण ये है कि देखिए, मैंने कहा ना, सरकारी लोग सरकारी होते हैं। आज से सिर्फ 2 साल पहले तक, 2021 तक, ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, ये हुआ करता था ऑफलाइन। मतलब ये जो आपने 2 लाख रुपये ऑनलाइन दिए थे ना, और ये 2 लाख रुपए आप एक जगह जाके दे के आते। तो पहले हम घर पे अपने अपने जगह पर 2 हज़ार रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करते थे बेसिक। हमें वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता था, स्लिप मिलती थी, और फिर आप 2 लाख का डीडी बना के फिर जाते थे जो आपके घर के पास का नोडल सेंटर हो गया, जो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हमने चुना था जब ऑनलाइन वेबसाइट थी, जो वेबसाइट में यार जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। अब वो होता था किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए, जो आज भी इनका उसी तरीके से चालू है। तो ये देखिए, तो आपको इनमें से एक मिला होगा, आप याद कीजिए। आज भी इसका पर्पस मोटा मोटी खत्म हो गया, फिर भी है। जैसे जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और आपसे कुछ भी गलती हो गई, आपको मेल्स आ रही थी कि डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है, या कुछ चीजें आप ऑनलाइन ठीक करा पाए, लेकिन कुछ चीजें जैसे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में गलती कर दी, आपने स्पेलिंग की गलती कर दी। अब ये चीजें ऐसी हैं, आप नोट कीजिए, देर इज एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने का कोई रास्ता नहीं था, ठीक है? तो आप क्या करते, आप अपने नोडल सेंटर में जाते जो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में है, आप इनमें से जो भी आपके था, और आप जाके बोलते, सर मेरा नाम चेंज कर दो, या मेरी कैटेगरी ठीक कर दो, या मैंने कुछ गलती कर दी फॉर्म भरते समय। क्योंकि भाई 2021 तक जब ऑफलाइन हुआ करता था, तो हम वहाँ जाते थे, वहाँ पर वो लोग हमारा बकायदा रजिस्ट्रेशन दोबारा चेक करते थे। इससे समय लगता था एक एक बच्चे पे आधा घंटा, और फिर 2 लाख रुपये डिपॉजिट का डीडी लेते थे। अब 2022 से चूंकि उन्होंने ऑनलाइन डीडी लेना स्टार्ट कर दिया, सो नोडल सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन की महत्वता काफी कम हो गई है। और अब जो आपको सीट मिली है उसके लिए ये वाले नोडल सेंटर हैं जो आपकी इस अलॉटमेंट लेटर में भी लिखे हुए हैं। तो जैसे अगर आपको इन 5 में से कोई कॉलेज मिला है तो आप किंग जॉर्ज जाएंगे, आपको इन 3 में से कोई कॉलेज मिला है हिंद के दोनों कैंपस हम में हो तो आप लखनऊ के अंदर ही राम मनोहर लोहिया जाएंगे, जबकि आपको इंटीग्रल एरा या करियर मिला था, प्रसाद मिला था, मिश्रा मिला था, तो आप किंग जॉर्ज जाएंगे। ऐसी पूरी लिस्ट है जो यूपी का मेन ब्रोशर है, पेज नंबर 17 में भी है, और आपके हर एक के अलॉटमेंट लेटर में भी है। तो ये पहली बात क्लियर हो गई कि हमें वहां जाना है जहां नोडल सेंटर में जाना है। अब आ जाइए, 2 पेज का रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। आपको एक अलग अलॉटमेंट लेटर मिला है लिखा हुआ है, जो मैं शुरू से कहते हैं हमेशा, आपका एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, ये नीट हिंदी में जो होगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट्स, वही अगर आपका कोई कैटेगरी था, अगर आपने यूपी का डोमिसाइल इस्तेमाल किया है, आपका आधार कार्ड, ये लेके आपको पहुंचना है। तो डॉक्यूमेंट बहुत सिंपल है। सिमिलरली अगर आपने EWC या EWS OBC एक्सेट्रा करा है, तो 1 अप्रैल 2023 के बाद होना चाहिए। अब जो ये DD है, ये यूपी सरकार DD क्यों लेती है आज भी, और क्यों ये ऑनलाइन या कोई नहीं कराती? तो DD तो जैसा मैंने कहा कि यूपी सरकार कंफर्टेबल है। अब देखिए, वैसे तो फ्री एग्जिट आपको पता है, यूपी में अगर आप नहीं जाते हो 2 लाख रुपये चले जाएंगे, आप गए अभी एडमिशन लेने, और आपको पता है यूपी में वेरियस रेजिग्नेशन रूल्स हैं, अपग्रेडेशन भी है, ध्यान से समझते हैं। और पहले उससे पहले आप कितने का DD बनाएंगे, एग्जैक्ट जितनी आपकी ट्यूशन फीस है। तो ये अगर नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, और ये सब होम पेज पे वेबसाइट पे आ चुका है, आप चाहें तो मैं आपको बहुत तसल्ली से दिखा रहा हूँ, तो हम जल्दबाजी में नहीं जाएंगे। जो यूपी का फीस का ऑर्डर है, पेज नंबर 6 देखिए, ठीक है? ये यूपी नीट के समय होम पेज पे है, मैंने धीरे से कर दिया, तो आप वेबसाइट पे भी आराम से स्क्रीन को नोट कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट ट्यूशन फी पर ईयर है, एग्जैक्टली जो आपको पता है 25 नॉन माइनॉरिटी कॉलेज बचे सरस्वती उन्नाव को हटाने के बाद। वैसे सरस्वती उन्नाव भी सोचो आज तक इसमें पढ़ा हुआ है, आपको पता चल सकता है ऐसे ना कि कितनी तेजी से लोग काम करते हैं। और इसमें SKS अभी तक तो नहीं आया था, तो इसलिए SKS की फीस आपको यहाँ से देखनी है, 12,14,683 एग्जैक्ट इतने का ही DD बनेगा। छात्रावास भी हमेशा यूपी फिक्स करता है कि नॉन एसी के 1.5 लाख, एसी के 1,75,000, इंक्लूडिंग मेस,
और 85,000 रुपये मिसलेनियस चार्ज, ये तीनों खर्चे ना यूपी सरकार कहती है कि हर कॉलेज फिक्स रखे, और 3 लाख का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ट्यूशन फी SKS की होगी 12,14,000। आप आ जाओ नॉन मेनल्टी एग्जैक्ट सारे कॉलेजों का देख लो, श्री राम मूर्ति स्कूल ऑफ नोएडा, सुभारती। सुभारती मैं आपको पहले भी वॉर्न कर रहा हूँ, फिलहाल आप इतना लेकर जाओ, बट सुभारती केस जीतने वाला है, आपको पूरी सुभारती की फीस देनी पड़ेगी जो 16 लाख से ऊपर होगी। मतलब आप मान के चलिए आपका बजट 25 लाख से ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप इस साल सुभारती में एडमिशन लेते हो। मेरा दावा है 99.99% बढ़ने वाला है। ये सारी फीस से आप नोट कर लेना, स्क्रीन मैंने जानबूझ के रखा है इस पे, कि आपको अगर होम पेज पे ना मिले तो आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके अपने कॉलेज की फीस दे सकते हैं। इस फीस का DD इसके नाम पे बनेगा। बैंक जाइए, लोकल डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग यूपी, यहाँ तक नाम आता है, पेएबल एट लखनऊ। क्लियर है? ये DD बनेगा, इस अमाउंट का बनेगा, नॉन मेनल्टी मेनल्टी का क्लियरली लिखा हुआ है। फिर से हमें ट्यूशन फी पकड़नी है। आपको तीर्थंकर महावीर में मिला है, आप 16,20,000 का बनाएंगे। आपको इंटीग्रल में मिला है, आप 17 लाख का बनाएंगे। जैसा कि हमने कहा, बाकी सारी बातें आप कॉलेज में देते हैं, अभी DGMU खाली इससे मतलब है। आपको इरा मिला है, आप 16,60,000 का बनाएंगे फिलहाल DD। तो DD क्लियर हो गया, अलॉटमेंट लेटर क्लियर हो गया, नोडल सेंटर क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। SKS अलग से फीस हो गई, बाकी सारी ये हो गई मेनल्टी नॉन मेनल्टी, और ये आपके नोडल सेंटर खत्म। अब काम की बात, देखिए यूपी में भी अपग्रेडेशन अलाउड है। आप रिपोर्ट करने गए और वहाँ पर आप कह सकते हो कि मैं अपग्रेड के लिए जाऊँगा, आप नहीं भी कहो तो भी आप जा सकते हो, यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है MCC की तरह। लेकिन वहाँ पर ना जिस जो भी आपके नोडल सेंटर है, जैसे किंग जॉर्ज में 5, ये पाँचों कॉलेज के लोग वहाँ बैठे होंगे और वो आपको एनकरेज करेंगे, या आगरा में 4 कॉलेज के लोग बैठे होंगे KD, और वो एनकरेज करेंगे कि भाई आप अभी के अभी रिपोर्ट कर लो, हॉस्टल और मेस फीस दे दो। आप कहोगे मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ भाई, वो कहेंगे नहीं नहीं सर क्या जरूरत है। देखिए मैं हमेशा अपने सारे क्लाइंट्स को भी देता हूँ, मेडिकल कॉलेज एडमिशन ना बहुत फनी चीज़ है। जी हाँ, एक तरफ हम तरसते हैं शारदा शिरा मूर्ति मुजफ्फरनगर रोहिला खंड, अगर मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल इंडिया की बात करूँ, DMC लुधियाना, जॉली ग्रांट, अमृता फरीदाबाद, MGM जयपुर जैसे कॉलेज हमें मिल जाए, पर दूसरी तरफ इवन शारदा के दिमाग में हल्की सी टेंशन रहती है बिकॉज ऑफ दिस अपग्रेड ग्रेड चेंज, कि मेरी कोई सीट खाली ना रह जाए। तो हर एक अच्छा कॉलेज चाहता है कि मेरी सीट जल्दी जल्दी भर जाए, क्योंकि एक खाली सीट मतलब 1 करोड़ का नुकसान उस कॉलेज का। तो वो चाहते हैं कि अराउंड 1 में मेरी सीटें भर जाए। बाबू ये भी कहेंगे हम पढ़ाई जल्दी चालू करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, लेकिन आप जो लोग राउंड 1 में डीम्ड में भी गए हैं रिपोर्ट करने, मेरे स्टूडेंट्स, सबको यही कहा गया है ना कि 4 सितंबर मंडे को आ जाइए, विच मीन्स जो NMC ने भी कहा था। तो 4 सितंबर से पहले तो कोई क्लास चालू होने वाली है नहीं, तब तक हर जगह का राउंड 2 खत्म हो जाएगा। और 4 सितंबर को भी देखिए वो ओरिएंटेशन चलाएंगे, पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ते असली क्लासेस, मैं रफली बोलूँ तो 3, 10, 18 सितंबर होगा जो असली क्लासेस स्टार्ट होगी। तो इवन जो स्ट्रे में भी एडमिशन लेंगे उनका ज़्यादा सारा 1 वीक की क्लासेस का नुकसान होगा, क्योंकि उन्हीं को तो पढ़ाना है ना। लेकिन एक कॉलेज आपको बोलेगा कि हम तो कल से चालू करने वाले हैं, हम तो हफ्ते में चालू कर देंगे, ताकि आप रिपोर्ट करें घबरा जाए। आपको बोलेगा सर ज़्यादा नहीं, वो जो लिखा था ना, ज़्यादा नहीं सर आप फिलहाल करो 85,000 रुपये, आप ऑनलाइन भेज दो, ये जो मिसलेनियस चार्ज है ना जीपे, आपको फ़ोन पे तो हो गया UPI। देखिए पर्पज़ यही है कि वो लोग चाहते हैं सीट क्लोज हो, लेकिन अगर आप अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं, कई लोग आप में से ऐसे भी होते हैं कि अब जाके आप अपना पहली बार कॉलेज देखोगे, और मोस्टली सबकी हमारी चॉइस थी, वी ऑल वॉन्ट टू ट्राई फॉर अपग्रेड एटलीस्ट टिल राउंड 2, तो आप इनमें से कोई भी पैसे अभी मत दीजिएगा उन्हें, जितना मर्जी वो आपको प्रेशर डालें पुश करें, कोई चिंता की बात नहीं है। यू कैन टेक एक्चुअली, अगर आप कह दोगे ना कि टॉक टू माई काउंसलर विवेक सर फ्रॉम GK वर्स, वो आपसे फिर बात ही नहीं करेगा, क्योंकि तकरीबन यूपी के सब कॉलेज में मैं बदनाम हूँ। आप ये कह लो कि भाई विवेक सर के साथ तो कोई, हम उनके बच्चों के साथ कुछ ऐसे प्रेशराइज या चीटिंग नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपकी पूरी प्रोसेस है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपने नोडल सेंटर में जाके कोई फीस नहीं देनी है। आज वर्किंग सैटरडे है, 5 तारीख है, फर्स्ट सैटरडे ऑफ मंथ है, बैंकों में जाके अपनी DD बनवा लीजिए, और DD बनवाने के बाद आप मंडे को मेरे हिसाब से कल की ट्रेनें अपनी बुक कर लीजिए, या जैसे भी ओवरनाइट है, किसी को दूर जाना है, कैसे भी जाना है, मंडे सुबह अपने नोडल सेंटर में आप 10 बजे पहुंच जाओगे, शाम तक फ्री हो जाओगे, वापस आप आ सकते हो।
कुछ लोग ऐसे भी मेरे ही क्लाइंट हैं कि देखो जी लखनऊ का ही कॉलेज मिला, लखनऊ ही जाना है नोडल सेंटर, तो आप बेशक और आपको अपग्रेड नहीं करना तो आप कॉलेज में जाकर अपना रिपोर्टिंग प्रोसेस भी कंप्लीट कर सकते हो, ताकि आपका दोबारा चक्कर ना लगे और अगली बार स्टूडेंट सीधा डायरेक्टली जाके रिपोर्ट कर ले। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स, बेस्ट विशेस फॉर पीपल जिनको सीट मिल गई है और जो इस वीडियो को सुन रहे हैं। एक बात और, तो यूपी की कट ऑफ हाई चली गई है, मेरा ये क्लाइंट है 224 नंबर का जो खाली बैठा है, और ना मैं वही जब वो हमारे पास आए थे ना, अरे सर हो ही जाएगा हमारा एडमिशन, हम तो बस आपको इसलिए एक नॉमिनल सी फीस दे देते हैं। बहुत नॉमिनली फीस दी उन्होंने कि सर बस आप फॉर्म वॉर्म भर देना कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, एंड तो आप नॉमिनल सी फीस ले लो सर, हमें तो पता ही है, हमने लास्ट ईयर ही कट ऑफे देखी है। और मैं डे वन से, आप मेरे सारे वीडियो चैनल पे देख लीजिए, मैं यही कहता था कि 2021 की कट ऑफ तो देखो ही मत, वो एक एक्सेप्शन केस था क्योंकि यूएस इंडिया की इकोनॉमी डाउन 2022 की, और क्योंकि मैंने बाबा पर कहता हूँ ना कि विवेक गुप्ता, वी आर नॉट जस्ट एन एमबीबीएस काउंसलर, वी आर अ करियर काउंसलर, करियर मेंटर, आई एम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑल्सो, इफ यू लुक एट माई प्रोफाइल, मैंने कहाँ से पढ़ाई की है, तो मैं एक दुनिया को एक बहुत डिफरेंट आई से देखता हूँ, मैं सिर्फ कट ऑफ और एमबीबीएस कॉलेज की तरफ से नहीं देखता। तो 2022 में इकोनॉमी डाउन थी जिसकी वजह से डाउन था, लेकिन अब यूपी कट ऑफ 220 के ऊपर है, तो भाई जनरल कैटेगरी 140 से 220 आपको सीरियसली सोचना है, और ऑप्शंस रखनी है, प्रॉपर काउंसलिंग की सपोर्ट आपको चाहिए, और वैसे नहीं कि बस एक फॉर्म भर दिया जी यूपी तो मिल ही जाएगा, हम यूपी के रहने वाले हैं, लास्ट ईयर तो 130 नंबर पे भी मिला है, 140 नंबर में मिला है सर, हमारे तो 220 हैं, आप काम का हमें समझा रहे हो, डरा रहे हो कि सीट नहीं मिलेगी, तीन चार फॉर्म और भर के रखो, साबित हो गया जो मैंने कहा था। हैव ए नाइस डे, अभी भी हमारी काउंसलिंग सर्विस लेना चाहें, मुझसे बात करना चाहें, 9633-623-20 यही नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा वीडियो के, फोन कॉल के 2500 रुपये होते हैं मिनिमम, और ये फर्स्ट चार्ज है, आप ये मैं सोचिए पूरे काउंसलिंग पैकेज है, 5000 रुपये हैं फेस टू फेस मीटिंग के, और फिर जिसके साथ जितना भी आपका काम है उसके हिसाब से हमारा पैकेज 25000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक जाता है, मोस्टली जो हमारे पैकेज होते हैं प्राइवेट कॉलेज के वो 50000 रुपये की रेंज में होते हैं। ओके, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।